अस्सलाम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम हैं एक्सोटिक गोट फार्म पर जी, और माशाल्लाह पूरी भिवंडी टीम भी आई है, उनसे भी मुलाकात कराएंगे लोगों की। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं फार्म टूर के फार्म टूर के लिए। तो आज देखते हैं कि क्या क्या कलेक्शन देखने मिलता है और पलाई के बकरे कितने हैं, पूरी डिटेल लेंगे और पूरा फार्म का टूर फार्म टूर करा देंगे। लास्ट तक वीडियो देखें, मजा आएगा काफ़ी, क्योंकि कलेक्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है जी। ये साल मैं देख रहा हूँ एक्सोटिक पे सब बड़े बकरों का काम शायद ज्यादा है, बड़े बकरों के लिए भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट बड़े बकरों पे जी। तो आइए, जो भिवंडी के मेहमान भी आए हैं माशाल्लाह, उनसे भी बात करेंगे, पूरा फार्म का टूर कराएंगे, है ना जी। आइए चलते हैं। आमिर भाई, ये प्लेस मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह पूरा गार्डन टाइप है, ये मतलब किस लिए आपने बनाया? ये किस लिए ना रिजवान भाई, कैसा है, कस्टमर आते हैं एवरी वीकेंड अपने बकरे का पलाई रिजल्ट देखने के लिए, तो फिर बाड़े में घुस जाते हैं कुछ लोग, तो कैसा अपने दूसरे बकरे डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से। तो ये हमने एक सिटिंग एरिया बनाया है और यहाँ पर आप देखोगे जमीन में सब खूंटे वगैरह कड़ी लगी है। अच्छा, खूंटे वगैरह? हाँ, खूंटे वगैरह लगी है, हर जगह लगी है। जैसे जो कस्टमर आएगा वो आराम से अपने सोफे पे बैठ के अपना बकरा देखेगा, टाइम पास करेगा, बेसिकली अलग से वो बाड़े में नहीं जाएगा, जिसके वजह से उनके बकरे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, दूसरे के बकरे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये एक बहुत अच्छा मतलब मूव है लोगों के लिए कि भाई पर्सनल आराम से और लाइट में अपना गार्डन में बकरा देखो, बकरा घुमाओ इधर, फिर ले जाओ बाड़े लेके छोड़ दे। सिटिंग एरिया भी यही सामने एरिया है, बकरा आपका माशाल्लाह यहाँ खेल आराम से रहेगा, खेलेगा। बहुत अच्छा एक लोकेशन है माशाल्लाह, जैसे यहाँ सिटिंग एरिया है और ये फार्म पूरा अपना बैक साइड पूरे फार्म है ना जी। और रूम वगैरह भी अवेलेबल है, नमाज वगैरह के लिए सब फैसिलिटीज, बाथरूम किचन सब है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आइए देखते हैं। और जी काफी अच्छा एक लोकेशन है और फार्म का टूर करने भी इंशाल्लाह काफी लोगों को मजा आएगा जी। और अभी तो रात हो गई है, ये तो पूरा हम दिखाते लोगों को, ये जो आप ऑर्गेनिक फीड की बात करते हैं जी, है ना, ये जी। अपने कैसे रिजवान भाई, अपना जो पार्टनर है यहाँ पे जो इधर उसका घर ही है, वो इधर ही रहता है। हाँ। तो उसकी कैसे एतराफ में पूरी 25-26 एकड़ उसकी जमीन है। हाँ हाँ। तो माशाल्लाह आप इधर देखिए, पूरा आम का बगीचा भी है, 200 झाड़ों का आम का बगीचा है। ये अपना मेन बोर्ड है रिजवान भाई, मेन बोर्ड जी रिजवान भाई, एग्जॉटिक बोर्ड जी। तो उसमें कैसा है, खेती वगैरह करते हैं हम लोग, चने वगैरह लगाते हैं, बरसीम लगाते हैं, तुअर उगाते हैं माशाल्लाह। तो उस हिसाब से अपना ऑर्गेनिक फीड का कैसा है, सर्टन अमाउंट ऑफ फीड अपन खुद ग्रो करके बकरों को डालते हैं, क्योंकि कैसा है गीली फीड जो हरा चारा होता है बकरों के लिए, हाँ हाँ, उससे बकरों की बॉडी का वाटर कंटेंट बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। जैसे गर्मी आप देख रहे हो यहाँ पर आज पड़गा में 42 से 45 डिग्री हाँ। गर्मी चल रही है, सही है। तो उस गर्मी में जब बकरों को ग्रीन फॉडर मिलता है तो वो लोग गर्मी में वजन झटकते नहीं है, वो तो एक बहुत अनाज ना खाते हुए ग्रीन फॉडर खाने से वो लोग अपना वजन मेंटेन रखते हैं। हाँ, ये एक पॉजिटिव है, मतलब कि क्योंकि अनाज गर्मी में खाना वगैरह नहीं डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हैवी अवॉइड करते हैं, मिक्स होके प्रॉपर बकरों को डाइजेशन मिल जाता है माशाल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी अभी आपने क्या डाले भाई, इतना टाइम क्या है मतलब अभी ये टाइम? हरी पत्ती रिजवान भाई, हरी पत्ती डालते हैं हम लोग, क्योंकि ये अपने बड़े बकरे हैं, ये अपने रमजान से पहले खरीदे हुए बकरे हैं, सब माशाल्लाह 125-130-140 किलो के बकरे हैं सेलिंग के लिए अपने पास। तो ये बकरों की कैसा है, राजस्थान में कैसी फीड होती है, लोग सिर्फ दो ही बार दाना डालते हैं, एक बार सुबह में लोग हरी पत्ती चला देते, शाम में दाना डालते, लेकिन अपन रिजवान भाई तीन बार खाना देते हैं उनको, सुबह में देते, शाम में 5 बजे देते, फिर रात में 8 बजे दे देते, तो 3 बजे 3 बार उनको खाना दे देते हैं। अंदर भी चले कुछ बकरे दिखाएंगे। अच्छा, ये पलाई के बकरे हैं पूरे? ये सेलिंग के बकरे रिजवान भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। इसके अंदर कैसा है, जो भी लाल माल है हाँ। उसका अच्छा रेट अपने निकाले, 80-95 किलो तक के इसमें बकरे हैं, हमने सिर्फ 549 रुपीज पर केजी निकाले। उसके साथ इन ये बकरे अगर कोई मेरे फार्म से लेता है और मेरे फार्म पे पलाई पे रखता है तो कुर्बानी तक, जब तक बकरे मेरे फार्म पे, अगर खुदा ना खास्ता बकरों की मोर्टेलिटी हो जाती है okay. या फिर कुछ ऐसा उसमें ऐब आ जाते हैं जिससे उसकी कुर्बानी नाजायज हो जाए, तो वो बकरा उनको 100% उनको रिफंड मिल जाएगा, या तो सेम वेट का बकरा उनको दे देंगे माशाल्लाह, 100% उनको मोर्टेलिटी गारंटी। ये आप जब भी दे सकते हो जब आपके बकरे सेट हो जी जी, अपने सब बकरे सेट है माशाल्लाह, इसीलिए अपन इतने कॉन्फिडेंस से उनको ये एश्योरेंस दे रहे कि हमारे पास से बकरा लो, इंशाल्लाह आपका बकरा कुर्बानी तक अगर उनको, क्योंकि देखो बहुत से कस्टमर ये सोचते हैं यार अभी एक महीना पहले बकरा ले लिया, कभी कुछ मर गया तो नुकसान हो जाएगा, मेरे फार्म से लेने से उनका ये फायदा है कि इंशाल्लाह उनका नुकसान नहीं होगा, और यहीं पे रखोगे तो रखोगे, अगर तो, लेकर जाओगे तो फिर हम तो फिर अपनी कोई गारंटी नहीं है, हमारे पास रहेगा, हमारे कैटेगरी में रहेगा तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं जी जी रिजवान भाई माशाल्लाह। अच्छा, ये पूरा मैं जो एक बाड़ा देख रहा हूँ वो साइड पूरा पलाई का सिस्टम है, ये पूरे अंडू बकरों का सिस्टम है रिजवान भाई। इसमें अपना थिंकिंग ऐसी है ना
कि कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है खूंटे की, कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है केजेस की, केजेस। तो हमने ये एक बाड़ा रखी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 70-75 गोट्स है जो हम खूंटों पे पलाई कर रहे हैं जिनकी। अच्छा, खूंटों पे पलाई कर रहे हैं। खूंटों पे पलाई करने से रिजवान भाई फायदा ऐसा, तो आप नीचे भी देखोगे हमने आरसीसी नहीं किया, हमने मिट्टी रखी है। अब मिट्टी रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है ना रिजवान भाई कि बकरे घुटनों में पानी नहीं भराते, बकरों की जब भी ठंडी पड़ती है तो मिट्टी गर्मी का एहसास देती है उनको, जब बकरों को गर्मी लगती है तो मिट्टी पे बैठते तो उनको ठंडा लगता है, तो ये एक बहुत अच्छा थर्मल प्रोसेस रहता है मिट्टी का। उस वजह से मिट्टी का मेंटेनेंस हमको हद से ज्यादा होता है, लेकिन बकरों को अच्छा मेंटेन करने के लिए हम मिट्टी का मेंटेनेंस एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये जरूरी चीजें हैं माशाल्लाह। और बकरे में देख रहा हूँ खूंटे सिस्टम में भी माशाल्लाह एकदम सेट है माशाल्लाह। और इसमें खूंटे सिस्टम में कैसा है रिजवान भाई, बकरा ऑलमोस्ट 10-12 फुट की जगह पे पूरा खुला रहता है। अब केज में आप देखोगे, केज में बकरे को पूरा टाइम फीडर में खाना मिलता है, लेकिन केज में आप बड़े से बड़ा केज देख लोगे तो 5x5 का केज है, 5x5 के अपने भी केज है, लेकिन उसमें बकरा उतने में सीमित रह जाता है। फिर बकरा पैर खड़े रह के ऊपर से मुंडी निकाल के रहता है तो पीछे के पैरों पे काफी ज्यादा लोड आता है, बकरे कैची वगैरह भी ले लेते हैं। लेकिन अपने माशाल्लाह पूरे फार्म के बकरे कवर कर लेना, आज पूरे फार्म में आप एक भी बकरे को मेरे कैची दिखा देना, एक भी बकरे को माशाल्लाह कैची नहीं है मेरे फार्म, जबकि माशाल्लाह ये मेंढा वगैरह और ये तो काला बोर माशाल्लाह जी। कितने बकरे हैं नंबर ऑफ गोट अभी अपने पास रिजवान भाई? करीब करीब 280 बकरे फार्म पे, सेलिंग पलाई, सेलिंग पलाई ए टू जेड बकरे और पलाई पे अपने पास 200-225 बकरे पलाई पे। और सेलिंग के? सेलिंग के अपने पास एक 61 बकरे बचे हैं, 61 बकरे बचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सेलिंग चालू है, सेलिंग चालू है, क्योंकि आपने काफी बकरे लाए थे। मैंने करीब करीब 100 बकरे लाए थे, सब बड़े बकरे लाए, सब बकरे 115 किलो, 125 किलो, 130 किलो ये रेंज के बकरे लाए मैंने माशाल्लाह। उसमें से भी माशाल्लाह एक 10-11 बड़े बकरे आए है पलाई के लिए अगले साल के लिए। तो इंशाल्लाह जब अगले साल अपन शूट करेंगे अल्लाह हयात ही दे, तो अपन इंशाल्लाह 145-150 किलो के बकरे अपने फार्म से निकालेंगे, क्योंकि देखो बड़े बकरे निकालने के लिए रिजवान भाई बड़े बकरे आना चाहिए पलाई पे। अब अपने पास आप देखोगे कि एवरेज बकरे आते हैं 45 किलो के बकरे आते हैं, तो उनको अपन पूरी ताकत लगा के अपन कितना बड़ा कर लेंगे, तो 40 किलो से ज्यादा साल में बढ़ा नहीं सकते। 50 किलो का भी आपने को बकरा दोगे तो उसको मैं 40-45 किलो भी बढ़ा दूंगा तो 90-95 किलो का बकरा हो जाएगा, वो पालने में मजा नहीं आती है। अभी इसके अंदर देखो ये बकरा माशाल्लाह मेरे फार्म पे आया था 70 किलो का, आज 124 किलो पे खड़ा है। फिर उसके अंदर यस वाह, फिर ये वाला बकरा अपने पास आया था रिजवान भाई 72 किलो का, आज 118 किलो पे खड़ा है। तो जब ऐसे बड़े बकरे आते पलाई पे तब अपन पलाई का रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको और भी बकरे दिखाता हूँ, अभी देखो वो लाल वाला बकरा देखो, ये वाला बकरा देखो, ये सब अपने पास आए थे 35-35, 40-40 किलो के, तो ये अभी 70-75 किलो पे। मैंने रिजल्ट तो अपना 100% दिया, बकरे ने भी अपने को उसमें साथ दिया, 5-5.5 किलो का एवरेज दिया महीने का, लेकिन उसने उसका बैच देके भी वो एक 90 किलो तक ही पहुंच पाया ना। हाँ। जब बकरे 80-90 किलो के आएंगे तो मैं उनपे 40-50 किलो वजन चढ़ाऊंगा। अगर, अगर अगर मैं ये मेंटेलिटी, आप जो बात बोल रहे हो, मैं ये लोगों के एक्चुअल में मेंटेलिटी ये होती है जी, जब उनको कहीं फार्म पे बड़े बकरे की मिकदार ज्यादा दिखती है पालने के बाद जो बड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है शायद से कि पलाई में उतना अच्छा रिजल्ट, वैसा नहीं रहता, बकरा जब बड़ा था तभी वो अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट। रिजन भाई बकरे की तैयारी देखो ना, बहुत माशाल्लाह तैयार है ये बच्चा, मैं आपको दूंगा देखो ये अच्छा देखिए। हाँ, माशाल्लाह इसके अंदर मेरा एक फेवरेट बकरा भी उधर पीछे अभी वो मस्ती कर रहा है उधर। हाँ, वो माशाल्लाह अपने पास आया था 82 केजी पे, आज 134 केजी पे खड़ा है, 134 केजी ऑलमोस्ट डबल डबल वेट। हर बकरा मैंने माशाल्लाह डबल वेट ही करके दिया, जो 25 किलो का है तो उसको 50 किलो किया, जो 40 किलो का है तो उसको 80 किलो किया, तो माशाल्लाह एक साल में मैंने बकरे डबल बनाए। जिस जो कस्टमर सोचता है कि भाई 125 किलो के बकरे निकलने चाहिए, 150 किलो के बकरे निकलने चाहिए, 50% तो मैं 50% अपनी तरफ से चढ़ाऊ ना। 60 किलो का बकरा दो मैं इंशाल्लाह 120 किलो चढ़ा के देता हूँ, 80 किलो का बकरा लो तो उसको इंशाल्लाह 140-150 किलो चढ़ाऊंगा। ये बार बेचने पे मेरे पास आए 100-100 किलो के बकरे पलाई पे आए, तो अब इंशाल्लाह वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा 140-145 किलो के। लेकिन माशाल्लाह मतलब जो बकरों की फिनिशिंग मैं देख रहा हूँ, एक होती है फिनिशिंग भाई जी, यानी कैसा होता है बकरा भले शाइन, तो छोटा है, शाइन देखो ना, इतना छोटा बकरा है माशाल्लाह, लेकिन अपने पास 23 किलो पे आया था, आज 60 किलो पे खड़ा है। ये सब बकरे देखिए शाइनिंग कितनी है बकरों पे, ये बताती है ना भाई कि चीज क्या तैयारी कैसे हो रही है रिजवान। माशाल्लाह ये चीज ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये देखिए ये इसको भूल गए थे कि आप, ये खुद से आया भी है, ये बोला कि मेरे को कब दिखाओगे। माशाल्लाह शाइनिंग देखो ना रिजवान भाई, माशाल्लाह व्हाइट बकरे में भी शाइनिंग है, लाइव आएंगे देखेंगे अगर मैं दिखाऊं तो, माशाल्लाह इसमें भी शाइनिंग है। चीज देखिए ये सब पलाई के बकरे हैं, ये सेक्शन पूरा पलाई का, पूरा सेक्शन ये कस्टमर का है, यानी इसके लिए अपना यहाँ पर गेट लगा है। हाँ। माशाल्लाह जो भी कस्टमर आता है, जैसे हमने बताया कि वो उसको अंदर नहीं अलाउ करने का रीजन एक भी ना कि खूटा सिस्टम है अपने, अपन घमेले में खाना देते, तो जब भी कोई नया कस्टमर या कोई भी अंदर घुसता है तो बकरे मस्ती करने लगते, अपना खाना गिरा देते। इसके लिए हमारा एक वन ऑफ द रीजन पीछे गार्डन बनाने का ये था,
कि कोई भी अननोन पर्सन को बाड़े के अंदर अपने एंट्री नहीं नहीं रहे जी रिजवान भाई। ये तो पसंद आया भाई अपने को, ये भी अपने कल्याण वाले भाई का ही है फलाई पे अपने पास। अच्छा जी, ये मतलब अभी ये साल का है कि ये साल का है, अभी ये तीसरा चौथा था उसने अभी निकाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साल और पलटी शायद कर सकते हैं। 62 किलो पे आया था, अभी 85 किलो पे, अभी 3 महीना पहले ही आया, 4 महीना पहले। फ्रेम एक्चुअल में लेकिन बहुत बड़ा है इसका, बहुत बड़ा है मरीनो में रिजवान भाई, और माशाल्लाह इसने 9 से 10 किलो का एवरेज दिया। मेंढो का तो एक्सट्रीम रिजल्ट है अपने फार्म में माशाल्लाह। अभी हम कुछ मेंढे दिखाएंगे, हमने तकी भाई से भी लिए, मारूफ भाई से भी लिए, फिर वो तबरेज भाई से भी बकरे लिए, वो सबके बकरे अपन दिखाएंगे माशाल्लाह, और सबसे बात भी करेंगे, बात भी कर लेंगे उनसे माशाल्लाह। कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कलेक्शन तो बहुत वो साइड भी है रिजवान भाई, एक बाड़ा तो अपन अच्छा वहाँ पे भी है। रुक जाइए मैं लाइट चालू कर दूँ। हाँ लेकिन माशाल्लाह मैं एक बार आप लोगों को कलेक्शन दिखा दूँ, बोर वगैरह चीज देखिए माशाल्लाह। मैं ये चीज देख रहा हूँ कि भाई बकरे जो है ना माशाल्लाह मेंटेन बहुत अच्छे से है, एकदम साफ सुथरे रिजवान भाई। एक भी बकरा आप मेरे को दिखा दो गिनती का, एक भी बकरा मेरे फार्म पे खुले में गंदा नहीं दिखेगा। नहीं माशाल्लाह मेंटेन बहुत अच्छे से, मतलब में बकरों में शाइनिंग प्लेफुल बारीक नोए के बकरे माशाल्लाह, मतलब चमक है बकरों में जी रिजवान भाई। अच्छा ये सेक्शन ये बाद में बनाया ना, छोटे बकरों के लिए रिजवान भाई। अच्छा हाँ, अभी इंशाल्लाह जैसे देखो लोगों की मेंटालिटी हो जाती है, जो मेजोरिटी लोग आजकल कर रहे हैं वो केजेस में पाल रहे, तो अपने को भी तो फार्म चलाना है, अपने को जो कस्टमर को चाहिए इन दी एंड अपने को तो वही देना पड़ेगा। तो ये बाड़ा बनाने का रीजन यही था कि रिजवान भाई ये ईद के बाद इंशाल्लाह अपन यहाँ पर ऑलमोस्ट 80-85 केजेस बनाएंगे, फिर उसके बाद जिनको केजेस में पलाना है उनको केजेस में पलाएंगे, जिनको खूटे पे पलाना है उनको खूटे पे पलाएंगे। लेकिन बकरे मैं देख रहा हूँ मट्टी पे आप जो कॉन्सेप्ट चला रहे हो एकदम साफ है, बहुत साफ है बकरे के माशाल्लाह। देखो अभी ये बरबरे को मैं देखो पूरा मट्टी में बैठा है, पूरा पूरा साफ लेकिन एकदम साफ बच्चा है, और गंदगी नहीं है जी रिजवान भाई। ये छोड़ दो आप सामने वाला, सामने वो व्हाइट अंडू देखो, अंडू देख लो पूरा साफ बच्चा है माशाल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी चीज देख रहा हूँ माशाल्लाह मैं बकरों की, बरबरे की तैयारी देखो। अभी ये सब 22 किलो के बकरे आए हुए हैं, ये अभी देखो 38-39 किलो पे पहुंचे देखो। लेकिन सफाई मेरे को ये हैरान हो रही है कि कोटा देख लो, हाँ ये सब साफ दिखेंगे आपको माशाल्लाह। अभी वो बकरा इतना गरम है, उसने उधर कुआं बना दिया थोड़े टाइम में पानी निकले। देखो बकरा देखो कितना साफ, पूरा खड्डा कर दिया होते और बना रहा है वो अपने लिए रिजवान भाई, बारिश का पानी जमा करेंगे बारिश का पूरा एकदम साफ दिख रहा है वहां भाई। वही बात है ना माशाल्लाह। नहीं मेंटेन सबसे अच्छी चीज ये बोलूंगा कि मेंटेनेंस ज्यादा है फार्मर का, लेकिन बकरों के लिए जैसे हमने हमारी टैगलाइन पे रखा है गोट्स फील लाइक होम, मतलब बकरों को अपना घर लगता है। देखो बकरे जहाँ से आते हैं, जहाँ की ओरिजिन है वो जंगल है, वो गांव खेड़ा है, वहां पर आपको कभी भी कोई पक्की जमीन, कोई टाइल्स, कोई कोबा, कोई आरसीसी नहीं मिलेगा, आपको वहां मिलेगी मट्टी। मट्टी तो यहाँ पर जो बकरों को अपन मट्टी की फैसिलिटी दे रहे हैं ना, आप मेरा हर बाड़ा देख लेना, मेरे कोई भी बाड़े में आपको आरसीसी नहीं दिखेगा। अभी ये सब जो आपको खड्डे दिख रहे हैं ना, ये हर हफ्ते हमको इसके अंदर पानी डाल के इसमें मट्टी डालनी पड़ती, तभी ये लेवल रहता है। आज माशाल्लाह 5 साल से मैं फार्म चला रहा हूँ, 5 साल से मैं मिट्टी मेंटेन रखता हूँ रिजवान भाई। जबकि भाई मतलब बकरे तो भाई खोद खोदते खराब करते जाते हैं, खोदते बकरों को मजा आती है, मजा आती है, मजा आती है उनको खड्डा करने, अच्छा लगता है रिजवान भाई। बस मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि मट्टी में होने के बावजूद बकरे बहुत माशाल्लाह साफ है और प्लेफुल है भाई एकदम, मतलब प्लेफुल खेलने में लगे हुए रिजवान माशाल्लाह। मेंढे वगैरह भी देखो रिजवान भाई, सब ये समझो ना 30-32 किलो के मेंढे लिए हुए थे, आज 55-55-60-60 किलो के मेंढे है माशाल्लाह। इसमें से मारूफ भाई से कौन सा लिया हुआ था मेंढा? मारूफ भाई से वहाँ पीछे के बाड़े में लिए हुए रिजवान भाई, एक ये लिया हुआ है रिजवान भाई। हाँ 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 हाँ, ये अपना सानिन देखो रिजवान भाई, ये अगर पब्लिक अपने इंस्टाग्राम चैनल पे जाएगी ना तो उसपे अपना एक माया करके बकरा था, हाँ वो ये बकरा है माशाल्लाह। देखो बकरा पूरा पलटी हो गया है, उसका बव देखो रिजवान भाई, उसके सिंग देखो अदंत है, अभी अदंत है, अदंत है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो अभी उसने जस्ट दांत निकाला है, देखो हाँ। निकाला भी नहीं, दांत तोड़ा है, मतलब बस तोड़ा है उसने अभी जी रिजवान भाई। फिर अपने बड़े बड़े बकरों का केज सेटअप है रिजवान भाई। ये सब पलाई के बकरे हैं सब टोटल? ये पलाई मतलब, मतलब कस्टमर के हैं आपके के खुद के? नहीं नहीं सब कस्टमर के बकरे, कस्टमर के बकरे ना पलाई, मतलब इसमें से गिनती के 2-4 बकरे अपने सेलिंग के निकलेंगे अंडों में, बाकी तो माशाल्लाह अपने पास खस्सी, मतलब यहाँ पर ज्यादा खस्सी है। मतलब अगर बड़ा कोटा वगैरह अंडों में चाहिए तो है अवेलेबल? अभी है, बड़े बड़े कोटे भी है, उसके लिए भी फोन कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे को फोन करना पड़ेगा। और क्या डिटेल पे होंगे मतलब बड़े बकरे बोले तो? बड़े बकरे बोले तो जो अंडू अपने पास 100 किलो तक के अंडू है अपने पास, 95-98 किलो, उसके बाद अपने पास जो खस्सी है वो माशाल्लाह 145 किलो तक की खस्सी अपने पास सेलिंग के लिए अवेलेबल है। तो भिवंडी टीम आ जाइए भिवंडी टीम जरा साथ में आमिर भाई के, माशाल्लाह बड़े बकरों का पूरा ये बाड़ा है और काफी माशाल्लाह कलेक्शन
कुछ लोगों से बात करेंगे जो हम हमारे साथ भिवंडी से आए हैं। माशाल्लाह इसमें कुछ सेल हुए आमिर भाई के? इसमें से कुछ कुछ बकरे सेल हुए रिजवान भाई, लेकिन बहुत बकरे अभी बचे हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमने सेलिंग अभी स्टार्ट किए सब चैनल पे माशाल्लाह। अपन प्रमोशन कर रहे ताकि लोगों को पता चले, ये बार लास्ट कुछ सालों से हम प्रमोशन उतना कर नहीं रहे थे, लेकिन अभी हम माशाल्लाह हर चैनल वाले को बुला के सबसे अपना फार्म शूट करा रहे माशाल्लाह, ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले भाई, पता चले। कारोबार देखो इसी का नाम है कि माशाल्लाह जहाँ तक चीजें जाएगी वहाँ से लोग आएंगे। अभी मैं इसमें आपको तबरेज भाई का बकरा दिखाता हूँ, एक मिनट, लोगों ने देखा होगा, मैं भी दिखाता हूँ बकरे का सौदा। पसंद जो आए वो बताओ, एक से एक बकरे, एक बच्चा बता, मतलब अपन ऊपर से देख रहे थे इसको, जब नीचे से देखेंगे ना तो एक एक बकरा देखिए आप। तबरेज भाई, तबरेज भाई कहाँ रह गए? अरे अभी रिजवान भाई, ये बच्चा का सौदा आपने कराया था, आपको जाता याद है मेरे को। ये बकरा माशाल्लाह अपने पास 4 महीने में 45 किलो बढ़ा है। तो आप वीडियो देख, बड़ा बकरा है, वीडियो देख, वीडियो ही मैंने देखी थी आपकी, तो मिल गया था। हाँ मिल गया था, आप ही ने रात में 11:30 बजे सौदा कराया था ऑन द स्पॉट। तो बात वही है कि वीडियो डालो तो बकरे बिकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में डाल दिया। तबरेज भाई, तबरेज भाई का तभी का फोटो आप देख लेना, ये रिजवान भाई के चैनल पे होगा, और आज माशाल्लाह बकरों की तैयारी देख। नहीं एक्चुअल में मैं इसलिए सवाल किया ना आमिर भाई, जैसे बहुत से सवाल आते हैं, कमेंट आते हैं कि यार लोग बिके हुए बकरे डालते हैं। नहीं नहीं, तो आपका क्या पर्सनल, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं नहीं भाई, मैंने तो बहुत बकरे खरीदे तबरेज भाई से कम मैंने 7 से 8 बकरे खरीदे माशाल्लाह। जी तबरेज भाई आओ, पहचानो अपना बकरा वही है ना माशाल्लाह, बकरे का जब होलिया ही बदल, होलिया बदल दिए। जबकि मैंने बकरा लिया था तो मेरे को बहुत जगह से बोले थे कि बकरे के पैर खराब है, ये खराब है, मैं भी इनफेक्ट वहां पर गया था। हाँ मेरे पेमेंट डालने के 3रे दिन में तबरेज भाई के पास गया, तबरेज भाई ने बोले आमिर भाई आपको पैर में डाउट लग रहा है, मैं अभी आपको पेमेंट मारता, बोले थे तबरेज भाई। मैंने आधा घंटा उधर सोचा, मैं बोला अपन इतने साल से बकरे में काम कर रहे, खुद का बकरा नहीं बना सकते तो फिर क्या दूसरों का बनाएंगे। तो फिर आज मैंने वो बकरा लिया, आज 45 किलो उसको चढ़ाया हूँ। बहुत गिरा जाते ये बंदे को, मैं सल्यूट करता हूँ। ये बकरा आया थोड़ा रसूली भी थी, पूरा पैर में ही मसला था, लेकिन ये बंदे ने ये नहीं बोला कि पेमेंट कम करो। जिसमें जो सौदा था वो उस सौदे पे मैं रहा, पेमेंट पे सौदा हुआ था वो पेमेंट दे के लिया, देखो अल्लाह ने उनको बरकत भी दिया था माशाल्लाह। इसकी जोड़ी भी एक है, इसकी जोड़ी भी है रिजवान भाई, इसकी जोड़ी भी दिखाता हूँ, इसको पकड़ो तबरेज भाई। हाँ अमित भाई, कौन सा बकरा पसंद आया? एक बकरा पसंद है, निकालो निकालो बकरे निकालो, सब अपने अपनी पसंद बताओ माशाल्लाह। पकड़ ले, पकड़ 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 पकड़। ओहो ओहो, अभी देखो ये उसकी जोड़ी का बकरा रिजवान भाई। हाँ। अभी इसको कैसा थोड़ा रसूड़ी का मसला हो गया था। हाँ हाँ हाँ, ये साइड इसको रसूड़ी निकली तो बकरा उतरा है थोड़ा। हाँ। नहीं तो माशाल्लाह ये बकरा भी अपने पास कम से कम 30 किलो चढ़ा था रिजवान भाई, 30 किलो चढ़ा था जी। जबकि ये बकरी 1 इंच हाइट वो बकरे से ज्यादा ज्यादा ही है, और इसका चेहरा भी मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा था। मेरे को लग रहा है तुम्हारा लाइव सौदा होने वाला है जैन भाई, बकरा पसंद आ गया। नहीं नहीं इंशाल्लाह, देखो सौदा पकड़ के खड़े, बिका हुआ है, बिका हुआ है। मैं बोला ना बकरा बिका हुआ ही रहेगा, वो ऐसा निकाले ना वो बकरा। देखो वो बकरा बिका हुआ है रिजवान भाई, ये बकरा बिका है, ये बकरा मैंने आज बेचा हूँ। अच्छा आज बेचा, ये बकरा बेचा हूँ, पसंद आया ना? पसंद आया बकरा, बहुत माशाल्लाह है आमिर भाई, बहुत बकरों की। और ये सब बकरे ना रिजवान भाई, ऐसा नहीं अपने बनाए ये बकरे, पब्लिक बोलेगी बड़े बकरे लाके बेचे, तो इंशाल्लाह जिसको वो भी देखना है ना, तो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे जब भी बकरे लाया था ना, तो मैंने पूरे बकरे उस पर दिखाए थे, तो वो बकरे की वीडियो, और आज ये बकरा जो कंडीशन पे खड़ा है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है रिजवान भाई। ये बकरा देखो रिजवान भाई, 44 हाइट का बकरा, 130 किलो पे अपन ने जब इसको लिए थे, जब इसको लिए थे बकरा 111 किलो पे था, आज ये बकरा अपने 2 महीने में 17 किलो वजन बढ़ा है। 17 किलो वजन बढ़ा है भाई, ये देखो ऐसा दिखा हुआ बकरा। जिसको शौक है वो इधर आएगा तो इंशाल्लाह वापस तो नहीं जाएगा, उसको हटा वहां से। साइज देखो रिजवान भाई, साइज देखो, बगली वगैरह देखो, 130 किलो का मक्का चीना में ना ये बिका हुआ है ना बकरा। लेकिन ये सब बकरे मतलब ये तो कोई भी आएगा छोड़ेगा नहीं अभी रिजवान भाई, जो मैं आपको बात कर रहा था ना इंशाल्लाह अपन क्वांटिटी में। अभी अभी ये बकरा मैं आपको बोल रहा था, जैसे इंशाल्लाह अभी लोगों ने अपने को बड़े बकरे दिए, तो इसमें से एक ये बकरा है, इंशाल्लाह अल्लाह इसको हयाती दे, अगले साल अपन इसकी तैयारी दिखाएंगे, और इसके साथ और 2 बकरे अपने पास अगले साल के लिए आए। देखो मैं आपको बकरे दिखाता हूँ, जब ऐसे बकरे लोगे रिजवान भाई तभी तो अगले साल आपको मजा आएगा पलाने के लिए। अभी ये बकरा देखो, ये बकरा मैंने देख के लिया था, 4 दांत थे, अभी अपने फार्म पे इसने 6 दांत किया। अभी अगले साल बताओ ये नेक्स्ट ईयर क्या जाएगा भाई, ये 6 दांत का बकरा है। अभी तो फार्म का प्रमोशन तभी होता है जब आप बड़े बकरे निकालो, तो बड़े बकरे लाने का रीजन यही था कि जब बड़े बकरे शौकीन लोग अपने पे भरोसा करे, अपना पलाए, रिजल्ट देखे, तो अगले साल बकरे पाले तो ये सब बकरे देखने मिले, देखने मिले। अभी भी 115 किलो के आसपास, ये अभी 122 किलो पे 122 kg, 6 साल पलेगा, अभी 1 साल पलेगा इंशाल्लाह।
और लेकिन जबकि फ्रेम है 150 किलो इंशाल्लाह अपनी उम्मीद 150 तो इंशाल्लाह प्लस जाएगा। अभी अपना एक बटाड़ा देखो रिजवान भाई, ये अपना पुराना बकरा है 6 महीने पुराना, इसकी आप फिटिंग देखो कैसे तैयार हुआ है ये। ये देखो रिजवान भाई, ओहो अभी इसको देख के कौन भूलेगा, ये भराई का बकरा नहीं है, पूरा गुलगुल है भाई, पूरा गुलगुला। ये अपने फार्म पे तैयार हुआ है माशाल्लाह, बड़े बकरे जिसको भी चाहिए जी। मैं ये चीज बोलूंगा रिजवान भाई, पीछे से लाइव आओ, लेके आओ आगे, लेके आओ सब बकरे। अरे माशाल्लाह एक से एक, वो जो एक बकरा तुमने छोड़ दिए तो वो मुंडी उठाए रेड वाला। अभी देखो ये 45 की हाइट का बकरा रिजवान भाई, बकरा लेके आओ, लेकिन एक वो ये वाला, ये वाला बहुत लेंथ है आमिर भाई, वो बिक गया क्या, बहुत लेंथ है बकरे को। ये देखो ये भाग रहे, ये भाग रहे, ये वो गया वो लेके आओ, वो वाला बिका हुआ रिजवान भाई, बिक गया। हाँ बहुत लेंथ है माशा रिजवान भाई, देखो ये 43 हाइट का बकरा देखो, और रुकेगा नहीं किसी के हाथ में। ओहो अभी अपने फार्म का सबसे बड़ा बकरा रिजवान भाई, 144 किलो इसका भी लाइव वेट है। कितना? 144, लेकिन इसको थोड़ी सी रसूड़ी है वो इंशाल्लाह 144 किलो, 144 किलो सेल्फ फीडिंग, सेल्फ फीडिंग माशाल्लाह। बच्चे तो माशाल्लाह एक से एक हैं, आओ सामने से देख के लो, तबीयत खुश हो। बड़े बकरों जिसको भी चाहिए, बड़े बकरे रिजवान भाई वो आओ। ये तो भाई मतलब काले जोने नीचे लगाओ भाई, जितने बकरे पकड़ोगे सब बकरों में एक से एक माशाल्लाह मिलेंगे आपको। उसको पकड़ना पीछे माशाल्लाह, चीज देखिए। नहीं नहीं वो नहीं, वो पकड़ना भाई आमिर भाई, सब नायाब बकरे हैं माशाल्लाह, एक से एक बकरे, एक से बढ़ के एक बकरे। बड़े बकरों में अगर मैं बात करूँ तो वाकई में बड़े बकरे लाए हो ये रिजवान, वाकई में बड़े बकरे लाए हो जी। मतलब बड़े बकरे हर वैरायटी है, हर कलर है, हर साइज है जी रिजवान। आगे देखिए जैसा बगली वाला बच्चा पसंद आता, बगली वाला है, फिटिंग हाइट वाला चाहिए, 43-44 की हाइट के बकरे माशाल्लाह। अभी इसको देखो रिजवान भाई, प्योर चॉकलेट, ये काला नहीं है रिजवान भाई, ये ब्राउन है, ये एकदम डार्क ब्राउन है माशाल्लाह, माशाल्लाह 6 दांत पे, अभी 6 दांत पे जी। मतलब कितने बकरे ऐसे हैं कि एक साल और पलटी कर आराम से पलटी कर सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं माशाल्लाह। एक वो मक्की चीना भी, वो मुंडा, वो भी बहुत माशाल्लाह जोड़ी। अगर देखो मक्की चीना मुंडा खड़ा है, बकरों तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही रीजन भाई, बहुत है भाई। ये देखो लेंथ देखो बकरे की, ये बिक गया है, ये मक्की चीना बिका है, नहीं वो मक्की चीना बचा है। ये मुंडा ले गया, ये आगे ले गया, ये इसको गोल्डन वाले को पकड़, मक्की चीना पकड़ो, मक्की चीना पकड़ो, मक्की चीना मुंडा मुंडा पकड़ ले आ रहा माशाल्लाह। कलर यूनिक है एकदम एंटिक, 6 दांत, 43 हाइट, 118 किलो, 118 किलो, 118 किलो। और ये मक्की चीना पकड़ो, ये अपने फार्म का सोने का सिक्का, कलर देखो रिजवान भाई इसका, 130 किलो गोल्डन कलर में आएगा, गोल्डन कलर में 130 किलो पे। ये बहुत पसंद आया था ये मक्की चीना भी, बहुत माशाल्लाह एक बच्चा, एक ये पलटी करने लायक बच्चा है भाई। दांत देखो 6 है कि 4 ही पे है, जो ज्यादा तुम साइज में बकरे देख रहे हो 6-6 दांत पे, ये तो कुछ भाई अलग ही दिख रहा है मेरे को। 6 दांत कर लिया, 6 दांत कर लिया जी, लेकिन खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह ये, अच्छे चेहरे का, अच्छे चेहरे का और अच्छे फ्रेम का बच्चा। आओ टीम, आओ पूरी, आओ आपसे एक आखिरी मतलब, आओ अमित भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ माशाल्लाह, पूरी टीम जो भिवंडी की टीम आई है माशाल्लाह। आमिर भाई आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसे आज पूरी टीम लेके आया हूँ भिवंडी की माशाल्लाह मैं जी, तो आपका क्या बोलना है भिवंडी टीम के बारे में, आप काफी वीडियोस देखते हो? वीडियोस तो देखते ही है रिजवान भाई हाँ। लेकिन माशाल्लाह कैसा, सबसे ऑलमोस्ट सबसे मैंने बकरे भी खरीदे हाँ। अपने फार्म पे लिए भी 50 बकरे तो मैंने लेके बेच भी दिए हाँ। लेकिन कैसा है, सबका रिजल्ट एक नंबर मिला है मेरे को, और आज तक माशाल्लाह ऐसा मैं नहीं हूँ कि मैं फार्म वाला हूं तो मेरे से सही से सौदा हुआ, मेरे पास इनके पास से पलाई पे भी बहुत बकरे आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कहीं से ऐसा धोखा होता है, गलत डिटेल आती है, माशाल्लाह मेरी नजरों में तो आज तक वैसा कभी भी नहीं, कभी नहीं हुआ है जी रिजवान। और कस्टमर जो लेके आते हैं वो भी सैटिस्फाई है, सैटिस्फाई माशाल्लाह। पलाई पर भी बकरे आए और पर्सनली आपने भी खरीदे, जैसे 2 बकरे हमने तबरेज भाई के दिखाए, और मारूफ भाई अभी तो है नहीं, मारूफ भाई शायद मारूफ भाई के मेंढे भी अंदर दिखा देंगे, तो मेंढे भी माशाल्लाह मारूफ भाई के वहां से आए, और काफी जगह से चीजें इनके पास भी, काफी लोगों से चीजें माशाल्लाह आई है, और काफी अच्छे लेवल में माशाल्लाह काम हो रहा है। आज हम इसलिए आए थे कि माशाल्लाह हमको खुद पर्सनली आमिर भाई के वहाँ बकरे देखने थे, कि बड़े बकरे माशाल्लाह, सबने एक इरादा किया कि चलो आमिर भाई के पास चलते हैं और बड़े बकरे देखते कि बड़े बकरे उन्होंने लाए कैसे। अभी ये भी बकरा देखो रिजवान भाई, 43 की हाइट पे, 6 दांत पे फ्रेश, 6 दांत पे फ्रेश, ये भी इंशाल्लाह अगर किसी ने पलटी के ले लिया तो ये भी आग बन करके 140 किलो मार देगा। अभी 110 किलो पे बकरा है,
नहीं माशाल्लाह, इतना बड़ा फ्रेम में 30 किलो चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है बकरे पे रिजवान भाई। सही है, पूरा साल भर का टाइम है अपने पास माशाल्लाह भाई। कलेक्शन तो मैं बोलूंगा कि बड़े बकरे किस अगर लेने का इरादा है जी, इरादा करोगे लेने का तो यहाँ से जा नहीं पाओगे, बिना लिए तो जा नहीं सकते जी। और रेट भी रिजवान भाई जी देखो, अभी तो सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ, सीजन स्टार्ट में मैंने बड़े 20 बकरे बेच दिए, तो कस्टमर ये भी सोच किया है कि जो जिसको पता है जो 125 किलो का बकरा खरीदता है उसको पता रहता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या है? आज आप 125 किलो 130 किलो का बकरा वजन पे मांग ही नहीं सकते, नग वाले बकरे। और ये नग वाले बकरे माशाल्लाह मैंने ऐसे रेट में लोगों को दिए कि जिसने लिया उसने और 4 लोग को लाके बकरे खरीदवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसको इसकी वैल्यू पता है वो बराबर यहाँ पर आएगा और इंशाल्लाह खाली हाथ कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। उसकी लेंथ देखो, उसका लेमोजिन नाम रखे हम लोग ने, उसकी लेंथ देखो बच्चे की, खुद आया सामने से दिखाने का। हाँ उसको आमिर भाई भूल गए होंगे ना, आमिर भाई बोले कि क्या बोलते हैं इसको ले गया शमीम माशाल्लाह। और सब कॉले बकरे, आप इतने बकरों में से मेरे को एक भी बकरा बूढ़ा हो गया, मुरझा गए बाल, या ऐसा शक्ल बाहर निकाल लिया, जबड़ा आगे कर दिया, एक भी बकरा नहीं। अभी देखो ये भी 6 दांत का बकरा माशाल्लाह, 124 किलो पे, 124 किलो पे एकदम परफेक्ट सिक्के, फुल मार्किंग लोलक वाला बकरा माशाल्लाह। बकरे तो भाई मतलब हिट है, मतलब ये ऐसे बकरे मौत तो मतलब कम 6 दांत के बकरे और फुल साइज के बकरे, मतलब साइज के बकरे। और बोलूंगा अपन खुद माल खरीदने जाते 100 किलो के बाद कहीं अपन जंगल में हाथ लगाते तो अपन क्या रेट देते, जो खरीदता है माल उसी को पता है। एक बकरा भी पैर दबाया हुआ तुमको मिलेगा नहीं, बकरों में एक भी कैची नहीं मिलेगी, एक भी बकरे के घुटने में पानी नहीं मिलेगा, कोई बकरा पैर उठा के नहीं चल रहा है, क्योंकि माशाल्लाह 2.5 महीने पुराने बकरे ना रिजवान भाई, ताजा माल नहीं है। सही है जी माशाल्लाह। अभी तो, देखो अपन भी खरीदते, अपने सब ट्रेडर भाई भी खरीदते, आज जंगल में 100 किलो के ऊपर के बकरे का कोई भी 1 लाख रुपए से नीचे मांग लिया नहीं, तो हाँ हाँ फार्म छोड़ दे। सही है, कोई भी 1 लाख रुपए के नीचे नहीं मांगता है एक्चुअल में। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि भाई आप जंगल क्यों जा रहे हो जब आपको अपने शहर में मिल रहा है लाइव देखने मिल रहा है। माल पूरा वैक्सीनेटेड है रिजवान भाई, 2.5 महीने में अपन ने माशाल्लाह उनकी पूरी वैक्सीन मार दी है। क्योंकि देखो अपने फार्म का काम है अपना, अपने फार्म पे बकरों के अलावा भी 200 बकरे और है, और तो हम बीमारी फार्म पे तो घुसने नहीं देंगे, तो इसलिए बकरे हम पूरे वैक्सीन करके रखते हैं रिजवान भाई। एक चीज अपने खस्सी के बारे में घुसे, तुम तो वीडियो बना रहे थे, एक भी बच्चे में ऐसा नहीं कि जितना शाइनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे अंडू भी एक से एक है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह अभी तो रिजवान भाई अपन ने आधा फार्म ही देखा, अभी ये साइड भी अपना पूरा फार्म है, पूरा फार्म है देखो ना, उधर अपने बरबरे और सब बोर वो सेक्शन है, फिर बीच में अपने बकरियों का सेक्शन है, फिर इसके बाजू में अपने छोटे बच्चों का सेक्शन है, फिर उधर 60 फुट बाय 60 फुट का अपना RCC का अनाज रूम है माशाल्लाह जी। काफी अच्छा एक्जोटिक है, मतलब एक्जोटिक खाली नाम नहीं है जी, चीज भी है। अभी एक्जोटिक बकरा भी मैंने भाइयों को दिखाया, सब अपने उस्ताद फेल हो गए उससे। दो दांत चार दांत माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े उनका जी रिजान माशाल्लाह। ठीक है ना, ओके वीडियो क्लोज करूं एक बार, यहाँ दिखा देते पीछे, चलो आ जाओ पीछे भी दिखा देते, पीछे भी दिखा देते आज। तो ये ये अपने कम हाइट वाले बकरों का बाड़ा है रिजवान भाई, बरबरी वाला। क्योंकि कैसा रहता है सब बाड़े में एक ही बकरे डालेंगे तो बड़े बकरे छोटे बकरों को खाने नहीं देते। हाँ। अभी इसके अंदर अपन ने कैसा रखे, कम हाइट में बोर होते हैं, कम हाइट में बेंटम होते हैं, बरबरी होते हैं, कुछ कुछ मरीनोज होते हैं जो खुले में रह सकते हैं, तो उनके लिए ये अपना फीडर भी कम हाइट वाला फीडर, अपने फीडर की हाइट देखो जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर है अपना फीडर, वो मरीनो सेल के लिए ही होता। हाँ ये मरीनो सेलिंग के लिए रिजवान भाई, सेलिंग के लिए जी। ओके अभी ये वाला मरीनो बैठा है कितना प्यारा है देखो। हाँ हाँ ये सब भिवंडी से लिए हुए रिजवान भाई, ये वाला ये लेफ्ट वाला माशाल्लाह, उसको जूम करो वाले ये ना। हाँ ये जो बैठा है, हाँ ये बैठा है, ये भी रिजवान भाई 64 किलो पे अदन पे है, अदन पे है, अदन पे रिजवान भाई पूरा गुलाबी बच्चा है माशाल्लाह। कलेक्शन मैं ये बोलूंगा देखो भाई, हम वीडियो बनाते हैं ना तो हम हमारी जो आंख देखती है ना वो वीडियो जस्टिफाई नहीं करता जी रिजवान भाई, लाइव आओगे चीजें देखोगे तभी समझ में आएगी, टूर बनाओ काफी माशाल्लाह चीजें हैं। ये बकरियों का पूरा ये बकरियों का सेक्शन है, जैसे बहुत से कस्टमर को बकरियां पालना अच्छा लगता है, कोई अच्छा अगर किसी के पास जैसे बोर का मेल है तो लोग बोर की हमको फीमेल्स लाके देते हैं। अच्छा। जैसे अभी माशाल्लाह अपना हीट पे जो अपना फार्म चल रहा है दुम्बो में, दुम्बियों की मेरे पास कम से कम 12 से 13 दुम्बियां हैं जो कस्टमर ने लाके दी, उनके पर्सनल एक एक दुम्बे, तो जब दुम्बियां आती है तो अपन क्रॉस करा के उनको अलग कर देते। अभी इसके अंदर दुम्बे के बच्चे भी आप अगर देखेंगे सब अभी उसमें माँ के साथ पीछे पीछे बैठे बैठे सब दुम्बो के बच्चे, बरबरियों के बच्चे, यानी पूरा यहाँ पे एक ब्रीडिंग सेटअप, ये ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, ये ब्रीडिंग सेटअप ऐसा ना रिजवान भाई कि माएं यहाँ पर रहती है और बच्चे यहाँ पर रहते हैं उनके। ये साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये छोटे बच्चों के लिए रिजवान भाई, छोटे बच्चों के लिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे है ना उनका ये साइड में, और फिर इसके अंदर कोई थोड़े ज्यादा जैसे बैंटम
और बर्बरी के बच्चे, तो उनके लिए हमने केज सेटअप रखा, केज के अंदर उनका घमेला, लोग वहाँ खाते 24 घंटे बच्चों को पानी रहता। उसके पीछे ये बच्चों से जो थोड़े सी बड़े बच्चे ना, उनके लिए हमने पीछे वाला बड़ा मतलब सब सेपरेट करके हर चीज के लिए अलग हमने बनाया, हर साइज के हिसाब से कि किसी को तकलीफ ना हो, जैसे बड़े बकरे छोटे बकरे को हैरान ना, ये रिजवान भाई है ना वो हिसाब से पूरा माशाल्लाह। अभी आप जहाँ पर पैर रखे रिजवान भाई, यहाँ पर हमने बालू डाली है, अभी देखो कैसा गद्दे बहुत सॉफ्ट है एकदम, आराम से बकरों के लिए एकदम, मतलब ये सॉफ्ट है और बकरे एकदम देखिए फैल के अभी रिजवान भाई एकदम बकरे आराम कर रहे हैं ना, अभी अपन आए तो सब बकरे पैर ऊपर करके सोए थे, अपन घुसे तो बकरे यहाँ वहाँ करने लगे, उठ के खाने लगे, और कितने बकरे हैं वो फिर वापस बैठ के आराम से बैठ जाएंगे रिजवान, पूरा अगर मैं बोलूं तो पूरा देखिए पूरा मट्टी एकदम, हाँ मतलब जगह जाए साफ हो जाएगी, इतना सॉफ्ट है ये जी रिजवान, कि बकरों को बहुत आराम रहे, और बड़े बकरों के लिए तो बड़े बकरों के लिए तो करना ही पड़ता है ना रिजवान भाई, जाहिर सी बात है, चलेगा है ना भाई। ओके रिजवान, वीडियो क्लोज करूं जी रिजवान, चलिए अल्लाह हाफिज, तो वीडियो मैं क्लोज करता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।